माधी कुदीन यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदेद कहती हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहाबिही व बारिक सलीम। आज माधी कुदीन में बड़ी जबरदस्त डिश बन रही है। आज बन रही है अंडा चंगारी। जी हाँ, अगर आपके घर खाने को कुछ नहीं है, आपने सालन नहीं बनाया, मेहमान आ गए हैं, वो घर का खाना मांग रहे हैं, तो आप ये बनाएं। ये बड़ा इजी बनता है। ये रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाना बताऊंगी, बड़े इजी तरीके से। इसमें बहुत से तरीके हैं, लेकिन आज मैं सादे से इब्तदा कर रही हूँ। मैं 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज हैं, इनको मैंने रफली चॉप कर लिया, वो इसमें मैं ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हमने हल्का सा सोते करना है। उसके बाद मैंने 3-4 हरी मिर्चें ले ली हैं बारीक, इसको मैंने चॉप किया, वो इसमें डाल दूंगी। इसमें 2 तरह के एग जाते हैं, एक बॉईल एग कर जाते हैं, ये मैंने 2 अंडे बॉईल कर लिए, दूसरे हम इसे फेंटेंगे। उसके साथ इसमें मैंने ये ग्रीन प्याज का पिछले वाला हिस्सा जो होता है, ग्रीन पोर्शन, वो है, थोड़ा सा अदरक है, वो मैं इसमें स्टेज पे डाल दूंगी, बाकी मैं इनमें डालूंगी। साथ मैंने इसमें नमक, सुर मिर्च, हल्दी ली है। मैंने 1/2 टीस्पून लिया नमक, हल्दी और नमिर्च, मैं ना कम खाती हूँ, आप अकॉर्डिंग को अपना टेस्ट खा सकते हैं। इसको भी अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। साथ ही मैंने 1 टमाटर लेके उसकी पेस्ट बना ली है, वो भी ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने अच्छी तरह से इसका मसाला बनाना है कवर करके। जब इसका मसाला अच्छी तरह बन जाएगा, ये घी छोड़ देगा, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। इधर मैंने 2 पोटैटोज लिए हुए, ये पोटैटो के बगैर भी बन जाती है, लेकिन ये मौजूद थी तो मैंने कहा चले मैं भी इसमें ऐड कर देती हूँ। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और जब ये मसाला छोड़ देगा उसके बाद मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या करना है। क्या मानी नहीं, माशाल्लाह मसाला बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। जब घी छोड़ दे तो ये निशानी होती है कि मसाला हमारा तैयार हो चुका है। इस स्टेज पे हमने क्या करना है, हमने ये जो एग बॉईल किए हुए हैं इनको फोर्क की मदद से हल्के हल्के यूं हम इन्हें करेंगे और इसको अच्छी तरह से इसमें भून लेंगे। भून के हमने इनको निकाल लेना है। आलू जो थे वो मैंने कद्दूकस कर लिए, ये बहुत जल्द बन जाती है और बहुत टेस्टी बनेगी। इनको अच्छी तरह से भून के ताकि मसाला इसके ऊपर अच्छी तरह आ जाए, इसकी कोटिंग इसके ऊपर हो जाए। उसके बाद हम इसको बाहर निकाल लेंगे, इसे थोड़ी देर इसके अंदर ही रखेंगे ताकि हो जाए। उतनी देर में मैं क्या करूंगी, मैंने ये जो अंडे लिए हैं इनको मैं बीट कर लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम मसाला, सूखा धनिया, स्प्रे जीरा भी स्टेज पे इसमें डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही थोड़ा सा मैंने लिया हुआ है अदरक, वो भी स्टेज पे इसमें डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास है ग्रीन जो स्प्रिंग ऑनियन होता है ना, ग्रीन हरा प्याज, उसका पिछले वाला हिस्सा है, थोड़ा सा धनिया, बाकी हम अंडे में बीट करते हुए डालेंगे। और जो मैंने आलू किए हुए ना, अंडों को मैं निकाल लूंगी, आलू भी इसके अंदर डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आलू माशाल्लाह अपने पानी में ही टेंडर हो जाएंगे, इसके ऊपर मैं कैप लगा दूंगी। उतनी देर में अपने जो एग है ना वो बीट कर लेते हैं। अंडों को मैंने अच्छी तरह से बीट डाली है। इसमें 1/2 टीस्पून मैंने नमक और सुरख मिर्च डाली है। अब एक ये है, हम इसमें डालें तो 1/2 कप के दूध डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जो ग्रीन प्याज का पोर्शन था ये भी और धनिया भी इसमें ऐड कर दूंगी। माशाल्लाह से हमारे आलू टेंडर हो चुके हैं। इस स्टेज पे आंच को बिल्कुल मदम कर देंगे, लो टू मीडियम। और ये जो मैंने अंडे फेंटे हुए ना, इसमें मैंने नमक, सुरख मिर्च और मैंने दूध डाला था और मैंने धनिया और हरा प्याज। अब इसको हमने सेपरेट कर देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से साफ कर लेंगे और इसे हमने दम की स्टेज पे रखना है। इसे क्या होगा, ये खुद ही पकेंगे। इसमें हम इसके बड़े बड़े पीसी चाहिए। 2 मिनट हम इसको दम पे रखेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम इसको मिक्स कर देंगे। हमने इसके पीस बड़े बड़े रखने हैं और इसको ऊपर से यूँ तोड़ लेंगे ताकि इसके बड़े बड़े पीस आए। माशाल्लाह हमारा अंडा चंगारी फर्स्ट क्लास तैयार हो चुका है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये टेस्ट में ऐसे लगता है जैसे हम बकरे का मक्स खा रहे हैं, बहुत मज़ेदार बनता है। शक्ल भी इसकी ऐसे ही आती है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब ये जो मैंने बॉयल एग किए हुए हैं इसको भी इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ मैंने 2-3 हरी मिर्चें भी ली हैं, वो भी डाल दी हैं। अब हल्के हाथ से इसको भी इसमें मिक्स कर लेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारा अंडा चिंगारी बहुत फर्स्ट क्लास तैयार हो चुका है। ये बहुत टेस्टी बना है, इसका जायका ऐसे लगता है जैसे देखने में भी और खाने में जैसे हम ना बकरे का मांस खा रहे हैं। आप इसे बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आपने क्या करना है, आपने अपनी जबानों को अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र से तय रखा करें, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम की कसरत करें ताकि हमारी जिंदगी में बहारें आ जाए, आखिरत में भी उनकी शफा हमारा मुकद्दर बने। और इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल माजी कुजीन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट दें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इंशाल्लाह ताला इसी तरह की अच्छी हेल्दी वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज।